क्लास क्लास काइंडली म्यूट योर सेल्फ, वी कैन स्टार्ट। काइंडली म्यूट योर सेल्फ, वी कैन स्टार्ट नाउ। क्लास, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे? क्या आपको वो क्लियर था वो पार्ट? ठीक है, ठीक। तो नाउ टुडे वी विल बी टेकिंग हार्डकोर क्वेश्चंस ऑन इट। कोई थ्योरी वोरी नहीं पढ़नी है, वी विल जस्ट टेक क्वेश्चंस बैक टू बैक। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड। अच्छा, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इतना पढ़ा था, वेर a वॉज योर फर्स्ट टर्म एंड d वॉज द कॉमन डिफरेंस। तो a इज योर फर्स्ट टर्म एंड d इज योर कॉमन डिफरेंस। और मैंने कहा था इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते, वी हैव टू नो a और d। नहीं पता है तो वी विल हैव टू फाइंड आउट, और फाइंड आउट भी नहीं कर सकते तो अज्यूम तो करेंगे ही। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 25th टर्म ऑफ दिस सीरीज, और ए पी बोल रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। वॉट इज द फर्स्ट टर्म? 5। वॉट इज द कॉमन डिफरेंस? सब्ट्रैक्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, कोई भी दो ले लीजिए। तो हमने सेकेंड और फर्स्ट ले लिया। 4.5 मीन्स 9/2 माइनस 5 गिव्स यू माइनस हाफ, तो डी आ गया। अब आपको एन क्या दिया है? 25th टर्म, मतलब एन क्या है? 25। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, तो t 25 क्या हो जाएगा? a इज 5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस हाफ। ये बहुत आसान सवाल है आपके, यू विल एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चंस। तो ये 5 प्लस 24 इंटू माइनस हाफ, तो ये 2 से कट गया एंड यू गेट 5 माइनस 12 विच इज माइनस 7। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स 2p माइनस 1, 3p प्लस 11 एंड 11 आर इन ap। अब क्लास एक चीज ध्यान रखिए, आपको जैसे ही वो बोले ना ap, तो ap का तो सीधा मतलब ये होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मुझे कॉन्स्टेंट दिखाना है। तो इसमें आप कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, बस सीधे सीधे उसकी डेफिनेशन लगा देंगे कि अगर ये ap में है तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो आप बोलोगे फॉर ap 3p प्लस 1 माइनस 2p माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 11 माइनस 3p प्लस 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम हो रहा होगा। तो बस हमें तो अपनी डेफिनेशन लगानी है ap की, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 और 11 माइनस 3p माइनस 1। तो 3p में से 2p गया p और 1 प्लस 1 हो गया 2 और यहाँ पे आ गया माइनस 3p प्लस 10। बस रीअरेंज कर दीजिए, 3p को मैं लेफ्ट साइड ले आया तो 4p हो गया, और 2 का मैं राइट ले गया तो 8 हो गया। तो p इज बेसिकली 2। नाउ इफ p इज 2, तो p वाला पार्ट तो मैंने बता दिया। देन हेंस फाइंड द नंबर्स। क्लास एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स में आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाएं, 11 12 बीटेक एमटेक, हेंस का मतलब क्या हो गया? हेंस मतलब ये जो चीज पहले सॉल्व करिए उसकी मदद से अब ये चीज बताओ। तो हेंस मतलब पी हम निकाल चुके और पी की वैल्यू से अब हमें सेकंड पार्ट बताना है। फाइंड द नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स? 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 और 11। तो पी की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 टू द 4 माइनस 1 एंड 3 इंटू 2 प्लस 1 और 11। तो व्हाट आर योर नंबर्स? 3 एंड देन 7 एंड देन 11। और देखिए अगर आपने p सही निकाला है तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, 7 माइनस 3 इज 4, 11 माइनस 7 इज 4, यानी सही वैल्यू आपने निकाली है। इज दिस क्लियर क्लास? ठीक ठीक ठीक। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बैक टू बैक करेंगे। इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोला इसने। इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, नाउ एट दिस स्टेज यू आर नॉट श्योर कि ये प्रोग्रेशन ap है कि नहीं। उसने कहा nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n-10, शो दैट इट इज एन ap। अब उसने कहा नहीं है कि ये ap है, ये आपको साबित करना है कि ये जो nth टर्म दी है ये एक ap की nth टर्म है। तो कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमको ये प्रूफ करना हो ना कि ये ap है तो हम बस ये दिखा दें कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आप कहोगे इसने मुझे क्या दिया है, nth टर्म दिया है 4n-1। आई वुड नॉट से कि ap है, ap तो मुझे प्रूफ करना है कि ap है। व्हाट विल आई डू इज, ध्यान से सुनिएगा ये स्टेप।
ध्यान से देखिएगा, A1, A2, A3, A4 ये आपकी टर्म्स हैं, तो nth टर्म क्या होगी? An, उससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी? An-1। तो आप क्या करिए, आपको दिखाना है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप कितनी दिखाओगे, A2-A1 दिखा दोगे, A3-A2 दिखा दोगे, कितने दिखाओगे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल दिखा देते हैं, जर्नल फॉर्म में दिखा देते हैं कि भैया देखो कुछ भी रख लो ये एपी ही है। तो क्या करें, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा होगा तो an और an-1 का डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट आ रहा होगा। तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, दिमाग में क्या पिक्चर बनी, कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया कि उसमें एन नहीं आना चाहिए। कॉन्स्टेंट मीन्स एन शुड नॉट बी प्रेजेंट, शुड नॉट बी प्रेजेंट। क्यों, उसका मतलब समझिएगा। ए एन का मतलब क्या होता है, यानी टी एन, ए एन बोलिए या टी एन बोलिए, बात तो एक ही है। मैंने उस कल भी बताया था, कुछ बुक्स में टी एन लिखते हैं, कुछ में ए एन लिखते हैं। तो पहली चीज आपने ये समझनी है कि टी एन की वैल्यू, अच्छा हाँ पहले ये समझिए, यहाँ जो आप नंबर लिखते हो वही तो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ एन लिखोगे तो यहाँ एन लिखा, यहाँ वन लिखूंगा तो यहाँ वन लिखोगे आप, यहाँ टू लिखूंगा तो यहाँ टू लिखोगे। तो अगर यहाँ n-1 लिख दूंगा, टी n-1, तो फिर आप क्या करोगे, एन की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, n-1। तो टी n-1 टर्म क्या बनी आपकी, 4n-4-10, विच इज 4n-14। अब टी n-1 क्या होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4n-10-4n-14। तो वैल्यू क्या निकल के आई, 4n-10-4n+14। तो 4n से 4n चला गया, आंसर क्या आया, 4। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आई है ये देखिए कांस्टेंट आई है, इसमें n नहीं आ रहा है। अब मन में आप सोचो आपने क्या कर दिया है, tn माइनस tn माइनस 1 की वैल्यू क्या दिखा दी है, 4। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर n की वैल्यू आप 2 देते हो तो क्या होगा, t2-t1, n को 2 रखिए, यहाँ 2-1 1 हो गया, t2-t1 क्या आ रहा है, 4। एन को 3 दीजिए तो क्या आएगा, t3-t2 क्या आ रहा है, 4। एन को 4 दीजिए तो क्या आ रहा है, t4-t3 फिर क्या आ रहा है, 4। देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है ये, और वो देखिए क्या आया जा रहा है, कॉन्स्टेंट आया जा रहा है। तो फिर डेफिनेटली हमारी सीरीज क्या है, द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। नाउ क्लास, अब मेरा पॉइंट समझिएगा, अगर बाई चांस यहाँ पे 4 की जगह एन भी आने लग गया होता, तो आप अगर यहाँ एन आता तो आप जो एन की वैल्यू यहाँ डालते वो यहाँ भी डालने पड़ती, और जब आप डालते तो ये वैल्यू हर बार डिफरेंट आती हर पोजीशन पे, तो कांस्टेंट नहीं आता डिफरेंस आपका, तो ये एपी नहीं बन पाती। तो दिस इज व्हाट आई मेंट कि हमारे को सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट दिखाना होगा, तो एन नहीं आना चाहिए उस डिफरेंस में। अब ये हमने जनरल मेथड किया। अब एक स्टूडेंट ये कहेगा कि सर यहाँ पे हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया था, T1 निकाल लूंगा, T2 निकाल लूंगा, T3 निकाल लूंगा, T4 निकाल लूंगा, और दिखा दूंगा कि भैया डिफरेंस कांस्टेंट है, एन को 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 4 × 1-10-6, 2 रखूंगा तो 4 × 8-10-2, 3 रखूंगा तो 12-10-2, 4 रखूंगा तो 6। अब आप दिखा दो T2-T1 क्या है, -2 -6 तो क्या आ रहा है, 4। T3-T2 करिए, 2 - -2 क्या आ रहा है, 4। T4-T3 करिए, 6 - 2 क्या आ रहा है, 4। देखिए जो वहां से आ रहा है वही हमने यहाँ किया। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस कुछ नहीं है। मैंने जो मेथड करके दिखाया है आपको, उसमें सामने वाला आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता, आपने जनरल दिखा दिया है, आपने सामने वाले से बोला एन को जो रखना है रखो, जो भी रखोगे आंसर सेम आएगा। यहां आपने कुछ वैल्यूज रख के दिखाई है कि देखो मैंने 3 स्टेप दिखा दिए, बाकी होता रहेगा। यहां मैंने क्या दिखाया, मैंने जनरल दिखा दिया, मैंने सामने वाले पे छोड़ दिया कि आप करो, एन को जो रखना है रखो, मेरा आंसर 4 ही आएगा डिफरेंस। नाउ दिस इज हाउ यू प्रूव अ गिवन टर्म टू बी एन एपी। नाउ एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी आपको nth टर्म दे दी जाए किसी एपी की, nth टर्म दे दी जाए किसी एपी की, तो ध्यान दीजिए एक कोइंसिडेंस देखिए, n का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या आया है, 4। तो द पॉइंट इज द कोफिशियंट ऑफ n इन द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, इन द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म
एक्चुअली डी। आपको अगर एन एक टर्म का फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप एन का कोफिशियंट देख के सीधे बता दोगे कि डी मेरा क्या है। डी क्या है? 4 है। अब इस केस में देखिए डी क्या था, जो एन का कोफिशियंट है वो 4 है, तो आपका सीधे सीधे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि 4 है इस हमारी एपी का कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो हमने ये शो कर दिया, देन ही सेइंग फाइंड द फर्स्ट टर्म। नाउ फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म तो कुछ करना ही नहीं है, हमें एन एक टर्म का फॉर्मूला दे रखा है 4n-10। एन को 1 रख दें तो 4 × 1 - 10 गिव्स यू -6, तो ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सेकंड पार्ट है, सेकंड कॉमन डिफरेंस तो हम यहां दिखाई चुके हैं, कॉमन डिफरेंस इज 4। एंड थर्ड पार्ट उसने पूछा व्हाट इज द 16th टर्म, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। थर्ड टर्म, थर्ड में क्या करेंगे, t16, मतलब एन को 16 रख दें, 4 × 16 - 10 विच इज 54। तो ये तीनों पार्ट्स आपने सॉल्व कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको एपी कैसे प्रूव करनी है और कैसे आप क्विकली पता लगा सकते हो कि आपका डी क्या है। डी इज ऑलवेज द कोफिशियंट ऑफ एन इन द फॉर्मूला ऑफ टी एन। क्लास ये चीज समझ में आई आपको? लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 18, 15½, 13 एंड सो ऑन टिल 47। अब क्लास ध्यान दीजिए, 47 देखिए आपकी लास्ट टर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे एपी आपकी खत्म हो गई है, यहीं से 18 से स्टार्ट हुई और 47 पे खत्म हो गई। तो जैसे हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल फॉर लास्ट। तो चेक करिए, अगर एल आपकी लास्ट टर्म है तो मैं अगर इस लास्ट टर्म की पोजीशन पता लगा लूं, जैसे ये 18 क्या है, फर्स्ट टर्म है, 15½ सेकंड टर्म है, 13 आपकी थर्ड टर्म है, तो ऐसे मैं पता लगा लूं कि 47 कौन सी टर्म है। क्लास प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ, तो 47 कौन सी टर्म होगी अगर मैं निकाल लूं, तो इसका मतलब सीधे सीधे उतनी ही टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि 47 आपकी लास्ट टर्म है, तो जो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतनी ही टर्म्स हैं टोटल आपकी इस सीरीज में। तो व्हाट इज डन इन सच क्वेश्चंस इज फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द 47th टर्म। मतलब बोलिए, लेट 47 इज द nth टर्म। हमने कहा हमें नहीं मालूम ये nth टर्म होगी इस सीरीज की। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा, tn क्या है हमने माना है 47 इज अवर tnth टर्म, a क्या है आपका 18 है, एन हमें निकालना है कि 47 की पोजीशन क्या है, और डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15½ - 18, तो क्या आएगा -2.5, 16, हाँ -2.5, -2.5 को -5/2 भी लिख सकते हैं हम। अब सॉल्व करिए, तो 47 में से 18 गया कितना आएगा, 29 इज एन माइनस वन इंटू -0.5/2। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, राइट साइड ले जाए 2 को, तो कितना हो जाएगा 58 इक्वल्स टू -5n+5, तो ये कितना आ जाएगा। क्लास देर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन डेफिनेटली, क्योंकि इसमें n आपका देखिए नेचुरल नंबर नहीं आएगा, देर इज सम प्रॉब्लम। लेट मी लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे चेक कर लेने दीजिए जरा। दिस इज -47, सॉरी दिस इज -47, तो यहां क्या आ जाएगा -47, यहां भी क्या आ जाएगा -47। तो -47 में आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप क्या आ जाएगा, दिस विल गिव यू माइनस का 65 अब आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5 13 हो गया, 13 2 26 इज इक्वल टू एन माइनस वन, देयरफॉर एन कितना आ गया 27। मतलब -47 आपकी 27th टर्म है, और -47 पर रुक गए आप, यानी इसमें कितनी टोटल टर्म्स हैं, देयरफॉर टोटल टर्म्स आर 27। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, दिस इज क्लास, दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज, देर आर 34 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड ओनली 27 की रिकॉर्ड हुई है, गॉड नोज क्यों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। आरएस में
चार चार पांच पांच क्वेश्चन दिए एक ही टाइप के, तो मैं हर डिफरेंट टाइप का आपको डिस्कस कर रहा हूं. नाउ विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, मतलब इस एपी में -81 कौन सी टर्म है, मतलब -81 की पोजीशन क्या है. तो फिर आपने बोला लेट -81 इज द nth टर्म, nth टर्म ही होगी हमें नहीं मालूम. तो tn इज व्हाट, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड tn इज -81, a क्या है 21 प्लस n हमें निकालना है और d कितना है, d इज 18 माइनस 21. क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा सेकंड माइनस फर्स्ट करिएगा, गलती से भी प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग मत करिएगा. -3 तो क्या आ गया -3, तो उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 21, तो दिस गिव्स यू 102 एंड दिस इज n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 वन जा 3, 3 जा 9, 3 फोर जा 12, n माइनस 1 इज 34, देयरफॉर n कम्स आउट टू बी 35. यानी हमारा आंसर क्या हो गया कि -81 इज द 35th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. अब सोचिए अगर ये फॉर्मूला आपको न पता होता तो आप क्या करते, आप इसको लिखते बैठ के कि कब कब -81 आएगा, एंड दैट इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस. इसीलिए ये फॉर्मूलेज इतने हेल्पफुल हैं आपको. इज इट क्लियर क्लास दिस क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे. ठीक. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो कहता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म. अब देखिए ये क्लास वर्ड प्रॉब्लम हो गया. वर्ड प्रॉब्लम को आप यू कैन अज्यूम देम टू बी पजल्स, पहेली समझ सकते हैं, उसको डिकोड करना है मुझे. अब समझिएगा विच टर्म, धीरे से पढ़ेंगे विच टर्म मतलब लेट nth टर्म. हमने कहा आप पूछ रहे हो कौन सी टर्म, तो मैं बोल रहा हूं nth टर्म होगी. लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म, जो टर्म आप ढूंढ रहे हो वो nth टर्म है. तो nth टर्म क्या हो गया, अब इसको धीरे से डिकोड कीजिए. विच टर्म nth टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी, देखिए मैथ्स में विल बी का मतलब होता है इक्वल टू, tn इक्वल टू 130 मोर, मोर मतलब होता है एड, तो एड देन इट्स 31st टर्म, उसकी 31वीं टर्म. कौन सी ऐसी टर्म है जो 31st टर्म से 130 ज्यादा है, तो ठीक है tn का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इज इक्वल टू 130 प्लस 31st टर्म का वैल्यू कैसे निकालूंगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो nth टर्म का ही लगेगा. तो चेक करिए a से a कैंसिल हो गया, n हमें निकालना है, d हम निकाल सकते हैं. व्हाट इज d, 15 माइनस 5 विच इज 10, तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 10 इज 130 प्लस 30 इंटू d कितना है आपका 10, तो दिस गिव्स यू 130 प्लस 300 एंड विच इज 430 इज n माइनस 1 इंटू 10, 10 से ये कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इज 43, n कम्स आउट टू बी 44. अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, 44th टर्म ऐसी है जो 130 ज्यादा है 31st टर्म से. अब आप चाहो तो इसे कोरोबरेट कर लो, 44th टर्म क्या निकलेगी आपकी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 44 माइनस 1 इंटू डी इज 10, तो 5 प्लस 43 इंटू 10 इज 430, दिस गिव्स यू 435. अब चेक करिए 130 मोर देन द 31st टर्म, 31st टर्म आपकी क्या थी, 31st टर्म थी a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 300 विच इज 305. अब 305 में 130 जोड़िए कितना आ रहा है 435, चेक करिए वो इसके बराबर हो रहा है, तो देखो योर आंसर इज करेक्ट. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू, ठीक है. नेक्स्ट वी मूव टू, अच्छा क्लास एक काम कर दीजिएगा, बिफोर यू लीव एट 110 काइंडली राइट पी, जिससे मैं सबकी अटेंडेंस ले पाऊं, बस जस्ट राइट पी एंड देन लीव, बस इतना कर दीजिएगा, जिससे उन बच्चों का अटेंडेंस भी ले पाऊं जिनका रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, बस रुक जाइए, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, डू यू नो द फर्स्ट टर्म, नो, डू यू नो डी, नो. सबसे पहला काम आंख बंद करके लेट द फर्स्ट टर्म बी
लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, बगैर इसके तो मैं चलूंगा ही नहीं आगे, एंड लेट द कॉमन डिफरेंस सी डी फॉर कॉमन डिफरेंस बी डी। तो पहली कंडीशन क्या दी है कि टेंथ टर्म हमारी एपी की 52 है, शॉर्ट में लिखिए टी टेन इक्वल्स टू 52, बस ज्यादा हमें नहीं लिखना है। टी टेन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह क्या लिखूंगा पता ही नहीं मुझे, एन क्या है 10 है, माइनस वन इंटू डी पता नहीं इज 52, तो सॉल्व करूंगा तो ए प्लस 9 डी की वैल्यू क्या आ गई 52। क्लास आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैथ्स में जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ दो वेरिएबल है ए और डी, तो दो इक्वेशन चाहिए, अभी तो एक बनी। नेक्स्ट, एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। अब इसको डिकोड कीजिए, जो 20 जो 17th टर्म है इज मतलब इक्वल टू, 20 मोर मतलब 20 ज्यादा है, ज्यादा मतलब ऐड करें किससे, 13th टर्म से। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए, 17 टर्म क्या होगी a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20 प्लस 13 टर्म क्या होगी a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो a से a कैंसिल हो गया, दिस इज 16d इज इक्वल टू 20 प्लस 14d। सॉल्व करेंगे आप तो 2d इक्वल टू 20 आया, d आपको सीधे सीधे मिल गया 10, डी 10 मिल गया, वो वैल्यू मैं यहाँ यूज कर लूंगा, तो आई गेट ए प्लस 9 इंटू 10 प्लस 52, तो ए गिव्स यू 52 माइनस 90 विच इज माइनस का 38, तो ए भी मिल गया मुझे और डी भी मिल गया मुझे, तो बस फाइंड द एपी। नाउ व्हाट वाज योर एपी, एपी मैंने क्या बताया था कैसे लिखता हूँ, ए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन, तो बस मुझे एपी में ए पता लग गया है माइनस 38। नाउ माइनस 38 प्लस 10 माइनस 28, ए प्लस 2d माइनस 38 प्लस 20 इज माइनस 18, देन माइनस 8, देन माइनस 8 प्लस 10 इज 2, देन 12 एंड सो ऑन, दिस इज योर एपी। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। नाउ अब एक बात क्लास पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स से मैं आपके सामने लिखता हूं 2, 3, 1, 0, 9, 6 और एक नंबर लिख देता हूं 7। अब मैं कहूं इसमें मिडिल टर्म बता दीजिए, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी कि पहले मैं काउंट करूं कितने नंबर्स हैं, आधे राइट से छोड़ दूं आधे लेफ्ट से छोड़ दूं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट से छोड़ दूं इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स राइट से छोड़ दूं, तो जो टर्म बचेगी वो मेरी मिडिल टर्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अब ऐसे लिख के दूं आपके सामने 2, 3, 1, 0, 9, 6, 7, 8, अब आप गिनोगे तो कितनी है, टोटल टर्म्स 8 है, तो 4 इधर से छोड़ी 4 इधर से छोड़ी तो मिडिल टर्म मिली नहीं मेरे को। तो जब इवन नंबर, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमारी कितनी मिडिल टर्म्स होती हैं, दो मिडिल टर्म्स होती हैं, ये वाली, ये दो हमारी मिडिल टर्म्स होंगी, तीन इधर छोड़ दिए तीन इधर छोड़ दिए, ये दोनों मेरी मिडिल टर्म्स हैं, ठीक। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो सिर्फ एक मिडिल टर्म होगी मेरी, एंड दैट इज दिस वन। अब तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझे कि जैसे ही मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले गिनिए कि मेरी सीरीज में टर्म्स कितनी है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म होगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो मिडिल टर्म्स होंगी, पहली चीज। अब हमें एक्चुअली मिडिल टर्म निकालनी है तो हमको उसकी पोजीशन पता हो, क्योंकि अगर हमको एपी दे रखी है तो बस मुझे ये तो पता लगी जाएगा कि पहले हम क्या निकालेंगे, कितनी टर्म्स है, अगर टर्म्स ऑड आई तो मुझे ये पता लग जाएगा एक मिडिल टर्म होगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आई तो दो मिडिल टर्म होंगी, बस उनकी पोजीशन ही तो पता लगानी है, वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगा tn का फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला ये है कि इफ n इज ऑड, मैं लिख दे रहा हूं इफ n इज ऑड, तो आपकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, n प्लस 1 बाय 2। कैसे आया, देखिए यहां कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म्स हैं, 7 प्लस 1 बाय 2 करिए क्या आएगा, 4, फोर्थ टर्म देखिए 1, 2, 3, देखिए फोर्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म है। तो अगर आपको n पता लग जाए कि ऑड है तो आपकी मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी, n प्लस 1 बाय सेकेंड टर्म निकाल दीजिए बस सीधे, और इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो फिर मिडिल टर्म कैसे निकलेंगी, t
एन बाई टू एंड टी एन बाई टू प्लस वन। आप समझिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बाई 2 करिए, कौन सी टर्म आई, फोर्थ, देखिए फोर्थ टर्म आपकी मिडिल है, और कौन सी आई, 8 बाई 2 प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म, देखिए ये फिफ्थ टर्म आपकी आई। तो आपकी दो मिडिल टर्म्स आएंगी जब एन इवन होगा और एक मिडिल टर्म आएगी जब एन ऑड होगा, और वो क्या होगा, कौन सी टर्म होगी, उसका भी फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया। क्लास पहले ही बताइए, इतना समझ में आया आपको? ठीक, अब जरा इसको मैं, क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, 10 7 4, 1 मिनट रुक जाइए, आई विल राइट दिस अगेन। 10 7 4 से लेके -62, इसका मिडिल टर्म हमको निकालना था। क्लास देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिए, तो स्टेप वन हमने क्या पढ़ा कि पहले निकालो कितनी टर्म्स हैं इसमें, कितनी टर्म्स हैं वो तो हम समझ गए कैसे निकालूंगा, कि ये मेरी लास्ट टर्म हो गई, अगर ये लास्ट टर्म हो गई तो इसकी पोजीशन निकाल लूं, जो इसकी पोजीशन होगी उतनी ही टर्म्स होंगी, तो यूज टीएन का फॉर्मूला, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो -62 आपकी एनथ टर्म है, ए आपका 10 है, एन माइनस वन पता नहीं, डी हो गया 7 माइनस 10 विच इज -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 72 इज एन माइनस वन इंटू -3, कितना आया, माइनस से माइनस गया, 3 1 3 24, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इससे क्या पता लगा कि मेरी इस सीरीज में 25 टर्म्स हैं, और 25 क्या है, ऑड है, तो कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, एक मिडिल टर्म होगी, देर विल बी वन मिडिल टर्म, और उस मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी, क्या हम लोग ने पढ़ा था, एन प्लस वन बाय टू, तो कौन सी टर्म हो गई, 25 प्लस 1 बाय 2 विच इज वॉट, टी 13। और देखिए बड़ी 13 टर्म, और देखिए ये लॉजिकली सही भी है, T1, T2, T3 लेके T12, T13, T14 से लेके T25, तो देखिए 12 टर्म्स इधर छोड़ दीजिए और 12 टर्म्स इधर छोड़ दीजिए, तो कौन सी टर्म बचेगी, 13 टर्म बचेगी। लेकिन हमें अब इसमें सोचना नहीं है, हमें तो सीधे फॉर्मूला पता लग गया है, तो हम हर बार यही करेंगे, तो बस अब हम क्या निकाल दें, 13th टर्म निकाल दें। तो 13 टर्म कैसे निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये तो एपी चल रही है, ए कितना है आपका 10, 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू डी इज -3, तो दिस गिव्स यू 10 माइनस 36 विच गिव्स यू -26, देखो द मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज -26। क्लास ये समझ में आया आपको? नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं एक क्वेश्चन जल्दी से बता देता हूं जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, दिस वन, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। अब जैसे ही उसने बोला ना दो मिडिल टर्म, तो आपके दिमाग में सीधे बात कौन दी कि डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, इवन आएंगी। फटाक से करते हैं, ये आपकी लास्ट टर्म है, तो 4 3 12 एंड 1 13 बाय 3 इज इक्वल टू ए क्या है, -4 बाय 3 प्लस एन हमें पता नहीं, डी कितना है, -1 -4 बाय 3, तो दिस गिव यू -1 प्लस 4 बाय 3 एंड दिस इज 1 बाय 3, तो डी आपका आ गया 1 बाय 3। जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो -4 बाय 3 लेफ्ट साइड गया, तो क्या हो जाएगा, 17 बाय 3 इज इक्वल टू एन -1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एन कम्स आउट टू बी 18। देखिए आना भी चाहिए क्योंकि उसने दो मिडिल टर्म्स का सम मांगा है, यानी एन हैज टू बी इवन नंबर। अब जल्दी से करते हैं, जब ये n इवन होता है तो कौन सी मिडिल टर्म्स होती हैं, एक तो n बाई टू होती है और एक n बाई टू प्लस वन होती है, तो n कितना है 18, यानी कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, 9th, और ये कौन सी हो गई 10th, तो 9th टर्म बस निकाल दीजिए एपी की, a क्या है -4 बाय 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 बाय 3, तो सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 3, तो कितना आ गया 4 बाय 3, और 10th टर्म आपकी क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है 1 बाय 3, तो दिस गिव्स यू -4 प्लस 9 अपॉन 3 विच गिव्स यू 5 बाय 3, तो 10th टर्म और 9th टर्म दोनों आ गई, यही दोनों आपकी मिडिल टर्म्स है, और उसका क्या मांग रहा है वो, सम, तो T9 प्लस T10 कितना हो गया आपका 4 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 विच इज 9 बाय 3 एंड विच गिव्स यू 3।